बिजनौर में खेत पर काम करने गई एक किशोरी को अकेले पाकर पड़ोस के ही तीन दरिंदों ने उसकी असमत को बुरी तरह रौंद डाला और मौके से फरार हो गए। आंखों में आंसू लिए किशोरी बदहवास स्थिति में घर पहुंची। पीड़िता ने अपने परिवार वालों को आप बीती बताई। जब जाकर तहरीर लेकर थाने पहुंची, पीड़ित के खिलाफ पुलिस ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी न होने को लेकर परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है। हाथों में FIR की कॉपी लिए पीड़िता SP ऑफिस के चक्कर काट रही है, लेकिन 22 मार्च को हुए बलात्कार के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपी इरशाद, वकार व महमूद के खिलाफ मामला तो दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर सांप सूंघ गया है। पीड़िता के मुताबिक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, जिसे लेकर अब पूरा परिवार आत्महत्या करने की बात बयां कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मार्च की 22 तारीख को की घटना आई, हम जंगल जा रहे थे करना चाहिए, तीन लोग मिले, एक मिलेगा इन्होंने बलात्कार किया हमारे साथ, मैं पहुँच पाई थी, हमारे मम्मा को ढूंढते पुराई थे, पुराई हमारी रिपोर्ट लिखी गई, मगर उन्होंने कुछ नहीं करा। बोल रहे हो क्या क्या नाम है? एक इरशाद, वफा, ये है कब से धक्के खा रही हूँ, कब से चक्कर काटती हूँ? मार्च की 22 तारीख इसके साथ ये जंगल जा रही थी, अब इसके साथ जो गई होगी रास्ते मिले तो मेरे ठाकर इसे एक मिलेगा, एक मिलने जाकर हर चीज इसके साथ करी, बदतकारी करी, मतलब इसके साथ जाकर ये बेहोश हो गई, इन्हें ठाकर लाए, ठान लाने के बाद फिर ये वो करने का है, रपट सपट करने का है, इनसे इनसे भी पैसा ले लिया 30,000 रुपये, हम उन लोगों को दिया है, मगर उन लोगों ने हमारे साथ कुछ नहीं करा। किने दिया 30,000 रुपये? वो देखा है हमने आरोपियों को वहाँ थाने में, उन्होंने हम कर लेंगे पकड़ लेंगे, उन्होंने बिल्कुल नहीं पकड़ा। अभी बच्चे के साथ हाथ क्या करी, मतलब इतना बुरा वो काम करा इसके साथ जो करना नहीं चाहिए बिल्कुल, और क्या बोल रहे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हत्या हमारी सुनी नहीं रही बिल्कुल पुलिस, बहुत बहुत ज्यादा वो कब से चक्कर लगा रही हो पुलिस अधिकारी? तारीख से चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, रोज जाता है रोज आ जाता है, रोज जाता है रोज आ जाता है।